लेकिन इसका कोई भी निवारण सरकार नहीं कर रही है। इसमें पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर पुल नहीं बनेगा तो कभी कोई रात को, कभी देर रात, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो रास्ता मात्र एक ही है, ये तो कई सालों से आ रहा है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी निवारण सरकार जो नहीं कर रही है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं देवखड़ी नाला उफान पर आ चुका है, थोड़ी सी दूर है रोड के ऊपर सो आने में, और क्योंकि लगातार ऐसी बारिश हो रही है जिसके चलते नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। इस वक्त हम पंचगी चौराहे में मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं लगातार दो दिन से भारी बारिश हो रही है जिसके चलते हर जगह बुरी तरह जीवन प्रभावित हुआ है, और अभी भी पंचगी चौराहे में मौजूद है। आज हम हल्द्वानी की आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से बारिश के चलते जो पूरी रोड है जलमग्न हो जाती है, निकासी की काफ़ी दिक्कत होती है, रोडों में पानी भर चुका है, घरों में तक पानी घुस जाता है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। आप मेरे बगल में देख सकते हैं रोड जो है पंचगी चौराहे की जो रोड है पूरी तरह जल में मगन हो चुकी है। कैमरामैन से कहूँगी लाइव तस्वीरें दिखाए कि पूरी रोड जो है पानी से भर गई है, लोगों को काफ़ी आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बता दूँ जो नाले थे वो भी भर के उफान के ऊपर आ चुके हैं, रोड पूरी जो है जलमग्न हो चुकी है। यहाँ से आप दूर तक देखेंगे वहाँ तक भी जो है पूरी रोड में पानी भर चुका है, और नीचे भी जितना आप देखेंगे वहाँ पर भी पूरा जो है पानी नीचे चला जाता जा रहा है। हालांकि इसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं किया गया है। बहरहाल हम यहाँ मौजूद हैं, हम आगे भी जाएंगे और आके कुछ लाइव तस्वीरें हम आपको आगे की दिखाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं हल्द्वानी की कुछ आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी। आप पीछे देख सकते हैं मेरे कलजिया नाला है, बारिश के चलते दो दिन की लगातार बारिश से कितने उफान पर आ चुका है आप देख सकते हैं, पूरा मलबा समेत पूरा पानी इसमें आ चुका है। देखिए कितना रौद्र रूप जो है कलजिया नाले ने लिया, लाइव तस्वीरें देखिए आप। और मैं बता दूँ इससे जो वहाँ के घर है वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, वहाँ मलबा घुस गया है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी हमने वहाँ पर बातचीत नहीं की, अगर बातचीत कर पाएँ तो हम जाएंगे। पहले आप रौद्र रूप देखिए कि कितना डरावना है। इस ऐसे में जो रोड यहाँ से पार करने वो भी काफ़ी दिक्कत होती है, वहाँ जो जितने भी घर हैं वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि रौद्र रूप जो इस नाले ने दिखाया है आप देखिए पूरा पानी के साथ मलबा सब सिल्ट पत्थर सब जो बड़े बड़े बोल्डर हैं सब इस मलबे के साथ नीचे आ रहे हैं। इस वक्त मैं इन सभी से अपील करूँगी जो कलजिया नाले के आसपास रहते हैं कि इस नाले से बहरहाल दूर रहे क्योंकि नाला अपने रौद्र रूप से काफ़ी ज़्यादा उफान पर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जिस प्रकार से कलजिया नाला काफ़ी उफान पर आया है और अभी जो है काफ़ी दिक्कतें होती है लोगों की आवाजाही में, तो ये क्या इस बार ही आया है या हर बार ऐसा आता है? ये तो कई सालों से आ रहा है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी निवारण सरकार जो नहीं कर रही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर करीब 150 से 200 परिवार इसके नाले के पार रहते हैं, जिनको बिल्कुल एक ही रास्ता है ये, जिससे चार पहिए की वाहन और दो पहिए के वाहन इसी रास्ते से आते हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी निवारण सरकार नहीं कर रही है। इसमें पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर पुल नहीं बनेगा तो कभी कोई रात को, कभी देर रात, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो रास्ता मात्र एक ही है, और ये रास्ता आप देख ही रहे हैं जी, कितना पानी बह रहा है, उसको पार करना नामुमकिन है। हम तो सरकार से ही मांग करते हैं कि इसमें पुल निर्माण हो जिससे 150 से 200 परिवारों का आना जाना बना रहे, और कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उस रास्ते से हम आए जाए। तो जिस प्रकार से हर बार आपने बताया कि नाला आता है, तो क्या यहाँ पे कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आता है कि देखने? क्योंकि हर जगह तो खबरें आती है कि वो आते हैं, बट यहाँ ऐसे कोई खबरें क्यों नहीं आती? तो प्रशासन देखता है, देख के चले जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाला राज भी है जो क्या नाम है सरकारी डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग का, वहाँ भी प्रशासन आता है, लेकिन कोई भी कई बार पूर्व में प्रतिनिधियों से भी हमने कहा कि इसका पुल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पूर्व में डॉक्टर इंदर देश द्वारा, ये आप शिलापट देख रहे होंगे, निर्माण का ये पुल के निर्माण का ही था, लेकिन फिर सरकार निकालते बदल गई थी तो निर्माण नहीं हो पाया, रुक गया था। आप एक बार शिलापट दिखा दीजिए, उस शिलापट में पूर्व में 2016 या 2017 का शिलापट है जिस पर पुल के निर्माण की बात की गई थी। तो मतलब काफ़ी टाइम पहले को आ गया था, अभी तक प्रशासन जागा नहीं और यहाँ पे पुल का निर्माण नहीं किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है निर्माण। आप देख रहे हैं खुद ही जी ऐसा, बिल्कुल पानी इतना है कि आप पूरी समझ सकते हैं, और सबको परेशानी भी है इस पर पानी से, क्योंकि हर बार नाले में बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है तो नाला आ जाता है, और जो पूरा एक दो दिन तक बिल्कुल ऐसा बहता है कि आने जाने के लिए बहुत काफ़ी परेशानी होती है। 150 से 200 परिवार यहाँ पर रहता है, और छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए कि नाम है दवाई, और कभी हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था हल्द्वानी की स्थिति दिखाऊंगी बारिश के चलते, तो जैसे कि आप जानते हैं देवखड़ी नाला काफ़ी सुर्खियों में रहता है, इसी के चलते हम देवखड़ी नाले के से थोड़े आगे हम मौजूद है। देवखड़ी नाला ये लगता है, और जहाँ परसों कार भी बही थी वहीं हम मौजूद है। बता दूँ इस वक्त भी जो देवखड़ी नाला है वो अपने रौद्र रूप आए, हम देख सकते हैं लाइव तस्वीरें देखिए आप कि किस प्रकार से उफान पर जो है अब आ चुका है, और
थोड़ी सी ही दूर है रोड में आने के, उसके बाद जैसा पिछली बार सुर्खियों में आया था वैसा ही देवखड़ी नारा वापस आ जाएगा। आप देख सकते हैं प्रशासन का बुलडोजर भी यहाँ मौजूद है, अगर कोई अनहोनी हो रही है तो प्रशासन का बुलडोजर यहाँ मौजूद है कि अगर कोई गाड़ी फिर बह जाती है। हालांकि प्रशासन लगातार गुहार लगा रहा है कि ऐसे में नाले पार ना करें और रोड क्रॉस ना करें, अपनी गाड़ियाँ भी ना लेके जाएं। बहरहाल देवखड़ी नाला काफ़ी उफान पर है और थोड़ी सी दूरी पर यह कि रोड पर आ जाएगा। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं देवखड़ी नाला उफान पर आ चुका है, थोड़ी सी दूर है रोड के ऊपर जो आने में, और क्योंकि लगातार ऐसी बारिश हो रही है जिसके चलते देवखड़ी उफान पर आता है, और अभी भी अगर थोड़ी और बारिश हुई इसके बाद पूरा उफान पर आ गया होगा। तो जिस प्रकार से हल्द्वानी की अलग अलग जगह हमने आपको दिखाए देवखड़ी नाला हो या हल्द्वानी की रोड की स्थिति हो, तो बहरहाल मैं सभी से कहूँगी कि नदी नाले उफान पर आ रहे हैं तो रोड पार करने से बचे और नाले से दूर रहे। तो बहरहाल इतना ही, ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं भावना, धन्यवाद।